This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. आप देख रहे हैं बिजनेस, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुआ है। आज भी बाजार में बिकवाली हावी रही, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी लौटी है। खरीदारी की वजह से निचले स्तरों से सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार देखने को मिला। निचले स्तरों से सेंसेक्स में 640 और निफ्टी में 196 अंक की रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स आज 135 अंक गिरकर 52,443 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 37 अंक की गिरावट के साथ 15,709 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में 870 और निफ्टी में 254 अंकों का उतार चढ़ाव रहा। कुल मिलाकर बाजार के आखिरी घंटे काफी अच्छे साबित हुए। निचले स्तर से रिकवरी बाजार के लिए अच्छे संकेत दे रही है। आज मेटल और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सरकारी बैंक, ऑटो और रियलिटी शेयरों की जोरदार पिटाई देखी गई। एफएमसीजी शेयरों में सुस्ती बनी रही। दूसरी ओर आईपीओ बाजार में निवेशकों का फोकस बना हुआ है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज और रोलेक्स रिंग के आईपीओ को रिटेल निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अब आईपीओ में पैसा लगाना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप डाउनलोड करें और कूपन कोड INVEST200 यूज करें और नए डीमैट खाते में 200 रुपए क्रेडिट पाएं और आईपीओ निवेश की शुरुआत आज से ही करें। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस और रोलेक्स रिंग से भी निवेशकों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। यही वजह है कि दोनों ही आईपीओ के लिए अच्छी बोलियां मिल रही हैं। जुलाई में अभी तक सभी आईपीओ में निवेशकों का पैसा बना है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ 5.77 गुना भर चुका है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के लिए अप्लाई करने की कल आखिरी दिन है। रोलेक्स रिंग का आईपीओ पहले दिन 3.84 गुना भर चुका है। इसके लिए निवेशक 30 जुलाई तक बोली लगा सकते हैं। ग्रे मार्केट में इन दोनों ही कंपनियों के शेयर प्रीमियम पर चल रहे हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी हो सकती है। हालांकि ग्लेनमार्क लाइफ पर ब्रोकर्स का झुकाव ज्यादा है। आज बाजार में जिन शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, उसमें भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, डिवाइस लैब और इंडसइंड बैंक शामिल रहे। वहीं सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा, सिप्ला, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब और M&M शामिल रहे। बाजार में पिछले 3 दिन से लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है। ये बताता है कि बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी लौट रही है। निफ्टी की क्लोजिंग भी 17,700 के ऊपर हुई है। अब निफ्टी की चाल 15,800 की ओर बढ़ती दिख रही है। अगर गिरावट आई तो नीचे 15,600 पर सपोर्ट है। जब तक निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ती, निवेशकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। VIX यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी 3.5% उछाल के साथ 13.6 पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान विक्स 16 अंक तक पहुंच गया था। अब अगर विक्स इंडेक्स गिरकर 12 पर आ जाता है तो बाजार में तेजी का रुझान बन सकता है। विक्स का नीचे गिरना इंडिकेशन होता है बाजार में उतार चढ़ाव कम है। इस वक्त बाजार में कमजोरी के 3 कारण हैं। पहला, अमेरिकी फेड के फैसले से पहले निवेशकों में घबराहट है। दूसरा, चीन में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। तीसरा, एशिया और अमेरिकी बाजार में कमजोरी। इन 3 वजहों से बाजार में बिकवाली हो रही है। आज मारुति सुजुकी के कमजोर नतीजे आए हैं, जबकि नेस्ले के नतीजे अच्छे माने जा रहे हैं। जून तिमाही में नेस्ले का मुनाफा 10.7% बढ़कर 538.5 करोड़ रुपए रहा। आय 14% बढ़कर 3,477 करोड़ रुपए रही। देखा जाए तो जून तिमाही में FMCG कंपनियों के अच्छे नतीजे आए हैं। इसकी वजह से FMCG शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। विदेशी निवेशक भी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को थोड़ी सावधानी से निवेश करने की जरूरत है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशक हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। बिजनेस, आईपीओ और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बिजनेस।